वेरी गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल वाइल्ड ट्रैवलर अभिषेक। आई होप आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा जो मैं मेरे बाइक ग्रुप के साथ गया था वाटरफॉल पे। नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखो। एंड अभी मानसून की सेकेंड राइड पे मैं जा रहा हूँ। यस, इस रेनी सीजन की सेकेंड राइड है। आज राइड ज़्यादा लंबी नहीं है, वैसे तो उस दिन भी इतनी लंबी नहीं थी, बट थोड़ी थी आज से बोलूँगा। सो गाइज, आपने वैसे भी टाइटल पढ़ लिया होगा, फिर भी बताता हूँ। सो आज हम लोग जा रहे हैं सफारी। सफारी में आई डोंट नो, आपने अगर मेरा और एक पिछला व्लॉग देखा होगा उसमें सिंचन लेक गया था मैं सफाले में, तो मेरा फ्रेंड है वहाँ पे, उसका घर है, तो वहीं पे हम लोग आज फिर से जा रहे हैं। बट कैसा कि वहाँ पे आज एक वाटरफॉल है, वो टाइम पे हम लोग जो गए थे वो विंटर में गए थे, तब इतना कुछ पानी नहीं था, नॉर्मल था, सब सूख गया था। बट ये आज जा रहे हैं क्योंकि अभी रेनी सीजन है एंड अभी वो बोल रहा था कि एक वाटरफॉल है वहाँ पे। हो गया प्लान, अभी जा रहे हैं हम लोग। एंड तीन ही जने हम लोग, ज़्यादा कोई है नहीं, गर्दी गड़बड़ नहीं थी अपने को। सो जो लास्ट टाइम वो दोस्त था, वो मैं और एक है राहुल करके, हम सब ऑफिस फ्रेंड्स हैं, तो बस तीन जन ही है। निकलता हूँ अभी, 6 बज चुके हैं, 6:05 हो गए हैं एंड 6:30 को मुझे वसई फाटा पे उनको मिलना है। आई डोंट नो मैं पहुँच पाऊँगा कि नहीं, बट मैं उनको बोल के रखा हूँ कि 10 मिनट्स 15 मिनट्स लेट हो सकता है मुझे। एंड वैसे भी कुछ घाई नहीं है हमको, वो वाटरफॉल को ही भागा नहीं जा रहा है, बस इतना ही है कि धूप निकलने के पहले पहुँचना है। और अब बारिश तो रुकी गई है, मतलब लास्ट 2 हफ्ते से कुछ तो बारिश गिर नहीं रही है, तो पता नहीं, अभी मुझे भी नहीं मालूम, नो आइडिया वाटरफॉल में कितना पानी होगा, क्या होगा। बट ठीक है यार, कोई नहीं, रिफ्रेश होके आएंगे, थोड़ा घूम के आएंगे, नो प्रॉब्लम। एंड या एक बात ये बताना चाहूँगा, आज मेरे माइक का प्रॉब्लम हो गया है। मोटो व्लॉगिंग सेटअप में लगाता हूँ, कैमरा लगाता हूँ हेलमेट पे, उसके माइक का आज फिर से इशू हो गया है, तो मैं व्लॉग नहीं कर पाऊँगा। बट येस, छोटा मोटा है जो भी रिकॉर्ड कर लूँगा, और उसमें वॉइस ओवर करना पड़ेगा आज भी मुझे, तो बस इन्फॉर्म किया। सो जैसा भी है वो आज वैसे ही होने वाला है रिकॉर्डिंग। सो चलो मिलते फिर बाइक पे। या एंड आई एम ऑन द बाइक नाउ। गाइज, निकलते निकलते ना मैंने बहुत ज़्यादा ही पटेली कर ली है। बादल देख रहे हो आप ऊपर, एकदम जोर से बारिश आने वाली है अभी तो यार, एंड मैंने विंडशीटर नहीं लाया है, ग्रेट नो। सो क्या कर सकते, अभी भूल गया तो भूल गया, अभी रिटर्न तो जा नहीं सकता, बट लग तो रहा है बारिश आएगी जोर से। वैसे तो हम भीग नहीं जा रहे यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इतना ही है कि जाते जाते ही इतना फट से भीगना नहीं है मुझे, क्योंकि फिर ना गाइस हेक्टिक हो जाएगा। बिकॉज मेरे बैग में ये है, लाइक मेरा वॉलेट वगैरह है, तो वो भीग जाएगा यार। एंड अगेन पूरे कपड़े अभी से भीग जाएंगे, तो बाइक चलाने में भी वो लाइक कैसे बोलते हैं, ईजी नहीं फील होएगा, तो वही इशू है। वैसे तो बारिश का इतना प्रॉब्लम नहीं था अदरवाइज। वैसे क्लाइमेट तो एकदम मस्त है, माहौल मस्त बना हुआ है, मतलब वाटरफॉल जैसी जगह पे जाने के लिए एकदम बेस्ट माहौल है। सो राइडिंग के लिए भी बहुत मज़ा आ रहा है, एंड जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ भी मज़ा ही आएगा, नो डाउट। बट या लेट्स सी, अभी मुझे जल्दी जल्दी खींचना है रोड, बिकॉज वो लोग वहाँ पे शायद पहुँच गए होंगे या फिर पहुँच ही रहे होंगे, और मैं अभी बहुत पीछे हूँ। सो कवर करता हूँ अभी, पहले बारिश जब तक नहीं आती तब तक मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है। एंड हियर इट कम्स, बारिश चालू हो गई है गाइज, और अभी ज़ोर से ही आने वाली है। ओ भाई, बढ़ती जा रही है, अभी मुझे आगे रुकना पड़ेगा। यस 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 भाई, यहाँ पे रुक जाते हैं और नहीं जा सकता मैं, सोचो 1 मिनट में भीग गया हूँ मैं यार। चलो 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 जल्दी रुक जाता हूँ यहाँ पे यार, 1-5 मिनट के लिए एटलीस्ट शायद से चली जाएगी बारिश। सो लेट्स सी। एंड फाइनली गाइज, हम मिल चुके हैं साथ में, दोनों भी मुझे मिले, ज़्यादा नहीं, कुछ 1-15 मिनट लेट हुआ मुझे। सो अभी हम लोग साथ में, मेरे आगे ही चल रहा है राहुल, जो आज हमारे साथ नया ऐड हो गया है हमारी इस राइड में। एंड उसके आगे जो दिख रहा है वो है एरन, जो पिछली राइड में भी था सिंचन लेक के टाइम पे। सो दोनों भी स्कूटी पे और मैं बाइक पे। सो या नाउ वी आर मूविंग अहेड। एंड अब यहाँ से ना अभी हम लोग को और शायद 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। सो बीच में कुछ तो खाना पड़ेगा, लेट्स सी कहाँ पे खाने का, अभी देखते ही कुछ जगह ढूंढ लेंगे, छोटा सा स्टॉल वगैरह, लाइक कोई होटल वगैरह रहेगा या फिर छोटा सा ढाबा टाइप। सो देखते हैं जो भी है। वैसे मैं तो घर से थोड़ा सा खा के आया था, हल्का फुल्का, लाइक मैंने चाय बनाई एंड घर पे ब्राउन ब्रेड थे, तो वही डिप करके चाय में खा के आ गया हूँ। सो वो तो एक
छोटा सा बोलते ना हल्का फुल्का सा चीज़ था पेट के लिए, बट अभी थोड़ा बहुत तो खाना पड़ेगा। भूख लग रही है धीरे धीरे थोड़ी सी। सो यार देखते अभी कहाँ पे रुकना है आगे, सोचते दोनों को भी पूछता हूँ। गाइज ये साइड ना जब भी आप आते हो ना, रोड्स इतने प्यारे, मक्खन मिलते हैं ना सच्ची में। मतलब गाड़ी चलाने कभी भी यहाँ पे कंटाला नहीं आएगा आपको। नज़ारे देखो क्या दिख रहे हैं, बारिश का माहौल है एंड रोड्स इतने मक्खन। बस और क्या चाहिए राइडिंग के लिए। मतलब एक बोलते हैं ना, एक सेटिस्फाइड एंड बिना थकाने वाली एक राइड हो जाती है। नहीं तो आप अगर पनवेल साइड जाते हो, मतलब समझो कि टुवर्ड्स गोवा साइड जाते हो, तो वहाँ तो भाई रास्तों की इतनी माहबेन करके रखी है, पता नहीं यार मतलब 15-20 साल हो गए। मतलब ये मुंबई गोवा रोड तो कभी सुधर ही नहीं रहा है, और पता नहीं ये कब सुधरेगा भी कि नहीं। मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है इतने सालों से पता ही नहीं। एंड ये देखो गाइज, अभी हम लोग लेफ्ट ले रहे हैं यहाँ से, हाईवे से अंदर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अभी एक लेफ्ट लेना है सफाड़े के लिए। तो अभी यहाँ से और समझो एक रहेगा आधा घंटा या 20 मिनट मैक्स। सो लेट्स सी। मिसल मिसल मिलेगा तो उधर ही देखते हैं फिर। मिल सकता है ना सर, बिकॉज़ देयर में कॉम्बैट मिसल मिल जाएगा कहीं पे भी। मिल सकता है जो अपना जो मेन सीन था ना, जहाँ पे अपना वो स्कूल वगैरह था राइट मारने से पहले, यहाँ पे कहीं भी मिसल वगैरह मिल जाएगा। आज वड़ा पाव खाना ही नहीं है मेरे को। गाइस हम लोग कब से ना मिसल पाव कहीं मिल रहा है क्या ढूंढ रहे, बट कहीं मिल नहीं रही यार। मतलब अभी उसके लिए अभी देखो ऑलमोस्ट हम लोग हाईवे से अंदर आके अभी हो गया 20 मिनट में सफाले पहुंच जाएंगे, बट फिर भी अभी तक मिसल नहीं मिल रही हमको। देखते अभी आगे और कहीं जाके, या फिर सफाले में पहुंच के अगर उधर कुछ मिलता है तो लेट्स सी। गुड मॉर्निंग वंस अगेन गाइज, एंड वी रीच टू सफाले। आई मीन ऑलमोस्ट अभी कुछ 5-6 किलोमीटर बचा होगा, एंड देख रहे हो मेरे पीछे क्या व्यू दिख रहा है यार, इट्स ऑसम व्यू। एंड एक मिनट, बाइक जा रही थी डिस्टर्ब हो रहा था, बट गाइज मेरे पीछे व्यू देखो यार, वाव, पीछे माउंटेन्स दिख रहे हैं आपको, क्लाउड्स देखो, लवली, इज जस्ट अमेजिंग। जैसे मैंने आपको बोला मैं सिंचन लेक के लिए आया था, वो व्लॉग है मेरे चैनल पे, जाके देख लो अगर देखना है तो। तो यहाँ पे हम लोग पहले भी आए थे और इसी स्पॉट पे हम लोग ने फोटोशूट किए थे, बहुत टाइम पास किया था, एंड फिर से इसी स्पॉट पे अभी रुके हैं। और टाइम हुआ है 8 बज गए, मतलब समझो कि 8 बजने के 2-3 मिनट बाकी है, तो हम लोग बहुत फट से आ गए, कवर कर लिया अच्छा टाइम हम लोग ने। और अभी इसलिए अभी ना यहाँ पे ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग यहाँ पे रुके थे और बहुत टाइम पास किया था, बहुत फोटोज़ निकाले थे और आधा घंटा हम लोग ने यहाँ पे वेस्ट किया था। तो अभी वैसे नहीं करना है, अभी एक समझो 10 मिनट हम लोग यहाँ पे फटफट फटफट फोटो निकाल रहे हैं, मैं व्लॉग बना रहा हूँ, और फिर निकलते हैं, क्योंकि आगे जाने में फिर टाइम पास होता है और फिर बहुत लेट हो जाता है, तो वो सब नहीं करना है। अभी तक हम लोग कहीं खाए नहीं है, कुछ भी नहीं खाया, बस अभी यहाँ पे आप व्यू एंजॉय करो, और दोनों को मिलाता हूँ एक बार फिर से। सी द व्यू गाइज, एंड सी हियर आर दे, ये आयरन, इसको आपने देखा होगा अगर सिंचन लेक का व्लॉग देखा है तो। वी आर ऑल ऑफिस फ्रेंड्स, एंड ये अपना बंदा राहुल, आज ये हमारे साथ पहली बार आया है, इसका पहला राइड है हमारे साथ, तो और राइड होती रहेंगी। राहुल कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है, जब से आए तब से खाली ग्रीनरी देख रहा हूँ, रास्ता तो बाप रे बाप एकदम मक्खन। हाँ सच्ची में, मतलब बारिश का सीजन है तो आपको मालूम ही है, बहुत मतलब एकदम जबरदस्त लोकेशन रहता है। अभी देखो ना सब जगह पे, मतलब कहीं धूप नहीं है, एकदम सूटेबल लोकेशन है किसी भी राइड के लिए, क्लाउड्स जमे हुए हैं, ज़्यादा धूप नहीं है, तो हम लोग को मतलब यहाँ पे रुकने के लिए भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ना और रुकने का मन कर रहा है, लोकेशन देखो ना क्या प्यारा है यार, तो जाने का मन नहीं कर रहा है यहाँ से, बट अभी अपने को आगे वाटरफॉल में जाना है, तो देखते हैं। वाटरफॉल छोटा सा ही है, एक बड़ा वाला भी है, उधर जाएंगे कि नहीं नो आइडिया, बट लेट्स सी, देखते हैं, अगर टाइम मिला तो जाते हैं। एरन बोल रहा है थोड़ा लंबा है वो वाटरफॉल जो बड़ा वाला है, तो वहाँ पे गए तो ठीक दिखा दूंगा, नहीं गए तो भी ठीक, छोटा वाला वाटरफॉल है वो देख लो, बट एटलीस्ट चिल करने को मिल रहा है यार, दैट्स अ बिग थिंग, राइट है ना गाइस? यस यस। बस ऑफिस के मतलब जो
आर्स रहते हैं वो सब स्ट्रेस वगैरह सब जो रहता है ना वो खाली चिल आउट करना है, दैट्स इट, दैट्स अ बिग पॉइंट एंड बस वी आर एंजॉयिंग. तो चलो मिलते हैं आगे फिर, ठीक है, बाइक पे बैठता हूँ अभी. गाइज फाइनली वी रीच टू आवर लोकेशन. सफाई स्टेशन गए हम लोग पहले, वहाँ पे नाश्ता किया, एक छोटा सा स्टॉल मिल गया जहाँ पे हम लोग को मिसल पाव मिली. दिस इज द वे, ये पूरा ऐसे ग्रीनरी वाला ऐसे ट्रेल जा रहा है. तो एरन कितना है लंबा ये? 2 minutes. 2 minutes ना. सो या 2 minutes का वॉक है, एरन बोल रहा है. सो ठीक है, कोई लंबा रहता तो भी प्रॉब्लम नहीं, बट ठीक है फट से पहुंच जाएंगे 2 मिनट्स में. थोड़ा चलना भी तो चाहिए ना. एंड खा के हो गया अभी तो अच्छा लग रहा है. अभी पानी में जाने को थोड़ा मज़ा आएगा, नहीं तो भूख रहती थी ना पेट में यार. अभी वैसे भी पानी में जाने के बाद तो सब हजम हो जाएगा. अभी टाइम हुआ है 9:10. यहाँ से मतलब समझो ना अभी गारंटी है, मतलब पानी में एक बार जाएंगे तो एक आध घंटा तो निकल ही जाता है. तो कोई नहीं, हमारा वैसे ही जल्दी निपट जाएगा. 1.5 घंटा भी हम लोग ने एंजॉय कर भी लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मतलब तब 10:30 बज जाएंगे. 10:30 तक निकल भी गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉर्टेड है. घर में 12-1 बजे तक तो पहुँच जाएंगे. सो चलो, अभी आपको सामने दिख रहा है मुझे वाटरफॉल, छोटा सा है और प्यारा सा वाटरफॉल है, दिखाता हूँ आपको. लेट्स सी. देखा भाई क्या ब्यूटीफुल वाटरफॉल है, एकदम छोटा सा है. एंड अभी ऑब्वियसली 2 हफ्ते से बारिश नहीं गिरी है तो पानी कम हो चुका है. पानी बहुत साफ है ये तो मुझे कहना पड़ेगा. नीचे डीप में जो बोलते हैं ना काई रहती है या फिर पेड़ पौधे जो रहते हैं उसका ग्रीन कलर पानी के ऊपर मतलब क्लियरली दिख रहा है, तो उससे समझता है पानी डीप भी है और बहुत साफ है. आई होप आपको दिख रहा है पहाड़ों का. एंड अगेन जो ऊपर बादल है स्काई का पूरा रिफ्लेक्शन दिख रहा है पानी में, इतना क्लियर है वाटर. अभी हम लोग पानी में तैर रहे थे एंड पानी में ना सडनली एक सांप आ गया. सांप तो छोटा सा था बट यार सांप को सांप है ना यार, देख के फटती है. तो नसीब एरन ने देख लिया फट से, उसको वाटर एकदम साफ है तो इसलिए उसको फट से दिख गया. वो बोल दिया फट से साफ साफ करके, हम लोग फिर उड़ गए, भाग गए वहाँ से. एक्चुअली यहाँ पे देखो ये साफ पानी है ना तो वहाँ पे आ ही जाते हैं इसे, और ये जंगल एरिया है तो आना ही है, उनकी जगह है, हम लोग उनकी जगह पे आए हैं. तो ठीक है, थोड़ा टाइम के लिए हम लोग बाहर आ गए. अभी वो ना वहाँ पे पत्थर पे जाके चढ़ रहा है, वो ऊपर चढ़ के उसको खाली शायद झाड़ियों में जाना है तो वो खाली उधर वो ट्राई कर रहा है. ये साइड से चढ़ रहा था, हमने उसको चढ़ने नहीं दिया क्योंकि और साइड हम लोग का फिर बैग वगैरह रखा था इसलिए. अभी वो उसको वो साइड गया, अभी भी मुझे दिख रहा है वो वहाँ पे, छोटा सा ही है मतलब अपने समझो हाथ भर का रहेगा, बट सांप है ना यार, सांप से उंगली कौन करेगा. तो हम लोग अभी इधर थोड़ा बाहर खड़े हैं, थोड़ा रिलैक्स हो रहे हैं, उसको जाने दो पहले. यानी अभी और एक 15-20 मिनट में हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से क्योंकि हम लोग का एंजॉय कर लिया हम लोग ने. आई होप आपको माउंटेन दिख रहे थे, ठीक है, माउंटेन छोटा सा वाटरफॉल है बट जबरदस्त है, मतलब आके इसको तो भाई घर के 5 मिनट पे
वो तो आके यहाँ पे रोज सैटरडे संडे रिलैक्स करता है वो, मजे इसके तो मजे एक्चुअली है ना, एक्चुअली बनता है पर इट्स गुड यार, सीरियसली मतलब आना चाहिए ना महीने में उसका दो बार तो ऐसा आना ही चाहिए। तो यार ऐसी अलग अलग लोकेशन ढूंढते रहूँगा मैं, आपको दिखाते रहूँगा। एक हमारा दोस्त आया है वो सांप को देख के डर गया, वो बाहर ही बैठा है, वो क्या बोले खुद को, देखते अभी कब आता है अंदर। आ रहा आ रहा आ रहा। अरे आ जा आ जा भैया, नीचे मेरे पीछे देखा, इधर आ जा देखता है। हाँ फाइनली देखो पता रहे इंसान सांप देख लिया यार, इतना बड़ा सांप था, सांप देखे तो हमारी भी फटी थी यार, इतना था सांप देखे तो किसी भी फटेगी, बट यार इतना नहीं फटेगा, बाहर ही जाके बैठ गया था, अभी तक देखो भीगा भी नहीं, हम लोग तो आके भीग गए उधर तो ठीक है। अभी ये भी अभी आया है, भीगने तो जा ही रहा था, लेकिन भाई सांप देख लिया तो पानी नहीं वो तो है नहीं भाई, फटी तो हम लोग की भी थी। सो गाइस वी आर फ्लोटिंग हियर इन द वाटर, बहुत साफ पानी है एंड मज़ा आ गया यार। एंड अभी निकलते हैं पानी के बाहर, जाता हूँ फिर वीडियो एंड करता हूँ। राहुल भाई भी है हमारे साथ में, तो तीनों साथ में वीडियो एंड करते हैं। बट फिलहाल सच्ची में देखो कितना रिलैक्स फील हो रहा है, हम लोग पानी के नीचे ऑलमोस्ट एंड पीछे वाटरफॉल है। सो चलो फिर बाहर जाते हैं एंड कपड़े वपड़े चेंज करता हूँ पहले एंड फिर बाहर जाके वीडियो एंड करते हैं, ठीक है। एंड गाइज कैसा लगा फिर? बहुत अच्छा यार, बहुत अरे भाई बहुत मजा आ गया ना यार, सच्ची में मजा आ गया। आपने तो देखा ही गाइस, देखो पीछे कितनी बार दिखाऊं ऐसा लग रहा है कमी है। और यहाँ पे मैंने बोला ना हम लोग का जैसे प्राइवेट वाटरफॉल ही था, हम लोग तीनों ही थे एंड अभी खाली एक ग्रुप आया है जो अभी एंजॉय कर रहे हैं, बट वो भी चिल आउट है, शांति से बैठे अपना अपना हिसाब है, मजे कर रहे हैं। तो भाई मजा आ गया। और अभी 10:30 हो गए, हम लोग का जो टारगेट था वही था कि अभी 10:30 तक निकलते, जाने के लिए 1.5 घंटा लगेगा तो उतना टाइम तो है, मतलब वो सॉर्टेड है, 12, 12:30 या 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। ये दोनों वसई वाले, मुझे बोरुली जाना है तो बस अभी और टाइम पास नहीं हो गया मज़े करके, तो अभी निकलते हैं एंड वीडियो एंड करता हूँ यहाँ पे। गाइस ये रेनी सीजन का मेरे इस साल का सेकेंड वीडियो है, सो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो यार। एंड आज अभी दोनों है और शायद कोई और आ सकता है, एक दो गर्ल्स थी हमारे ऑफिस की आने वाली थी बट वो कैंसिल हो गई, जो भी है ठीक है, बट हम लोग बॉयज़ ही मज़े कर लिए मस्त में। थोड़ी गर्ल्स आ जाती तो क्या थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, मतलब रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। निकलते अभी, राहुल भाई फिर से मिलेंगे अपन जल्दी, आप जरूर मिलेंगे, अलग अलग मतलब लोकेशन पे जाते हैं अपन। यस यस, तो अभी हम लोग तीनों तो मिलते रहेंगे, अभी एक बार ये ऐड हो गया हमारे साथ। अभी मेरा बाइक ग्रुप का तो अलग अलग होते रहेगा, वो राइड अलग ही होते रहेगा और हम लोग का अलग अलग कुछ ना कुछ होते रहेगा छोटा मोटा। तो चलो देखते हैं, प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, मुझे पक्का पता है आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा रहेगा, ये प्यारा सा लोकेशन अच्छा लगा रहेगा। डू लाइक द वीडियो गाइज एंड सब्सक्राइब करो, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो एंड प्लीज़ शेयर माय लिंक, यूट्यूब लिंक या फिर माय वीडियोज लिंक विथ योर फ्रेंड्स, आस्क देम टू सब्सक्राइब गाइज, प्लीज़ सपोर्ट एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ गाइज, टेक केयर ऑफ़ दिस ब्यूटीफुल नेचर। एंड इसी के साथ आज का वीडियो यही एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी ऐसी सुपर बेस्ट ब्यूटीफुल लोकेशन पे, तब तक ख्याल रखो अपना। यस गुड बाय, टाटा बाय 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 गाइस, बाय बाय गाइस।